अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो रेड सब्सक्राइब बटन दबा के हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटा दबा के अंदर आ जाए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय आर्ट एंड क्राफ्ट क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन। ओके, आज हम फोटो फ्रेम बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट आर यू रेडी टू मेक फोटो फ्रेम? ओके, सो पहले मैं आपको ये बताऊंगी इसके लिए हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए। ठीक है, बिकॉज ऑफ अभी लॉकडाउन हमारे पास ज़्यादा मटेरियल है पर टोन पर आपके घर पे जो भी मटेरियल है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं बताऊँगी कैसे यूज़ करें। इसके लिए हमें चाहिए एक वेस्ट कार्डबोर्ड। स्टूडेंट इफ यू डोंट हैव अ वेस्ट कार्डबोर्ड देन यू कैन यूज़ एनी बुक कवर, वेस्ट बुक का कवर आप यूज़ कर सकते हैं जो वेस्ट हो गया होगा, और कोई भी कार्डबोर्ड शीट आप यूज़ कर सकते हैं गत्ते को काट के, लाइक शू का जो बॉक्स आता है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं फोटो फ्रेम बनाने के लिए। मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी कार्डबोर्ड था तो उसको मैंने डेकोरेट ऑलरेडी कर रखा है। आई होप यू आर एबल टू सी। ओके, दिस यहाँ पे मैंने कलरफुल शीट पेस्ट कर रखी है। आपके पास कोई भी कलरफुल शीट होगी आप उसको पेस्ट कर सकते हैं इस कार्डबोर्ड पे। ओके, तो ऐसा कार्डबोर्ड आपको लेना है, कलरफुल शीट आपको कट करके ऐसे पेस्ट कर देना है। हमने उसके ऊपर मैंने यहाँ पे ब्लैक टेप लगा रखा है। अगर आपके पास ब्लैक टेप नहीं हो तो आप कलरफुल स्पार्कल टेप भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको फिनिशिंग देने के लिए आप इसको डेकोरेट कैसे करना है वो मैं आपको बताऊँगी। ओके, तो उसको डेकोरेट करने के लिए हमें चाहिए कोई भी वेस्ट चार्ट पेपर, उसको हमको इस शेप में कट कर लेना है। इस स्क्वायर शेप में हमें कट कर लेना है करीब 10 to 20 पीसेस। ओके, एंड देन उसके बाद हमें चाहिए ट्रे। अगर आपके पास ये ट्रे नहीं है देन डोंट वरी, डजंट मैटर, आप पेपर भी यूज़ कर सकते हैं ग्रीन पेपर। ओके, तो इस पेपर से हम सबसे पहले इसको कटिंग करेंगे, इसके फ्लावर बनाएंगे। इसको मैंने स्क्वायर में कट कर रखा था, इसको मुझे फिर से कट करना है। ओके, एंड देन इसको हमको इस कॉर्नर से फोल्ड करना है लाइक दिस, एंड अगेन लाइक दिस, एंड देन उसके बाद हम इसको यहाँ से इसको हमको पेंसिल से हल्का सा फोल्ड करना है। I have this. Here it is.
इस क्ले को मोल्ड करके इसकी क्विलिंग बना के यहाँ पे पेस्ट कर लिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। आपको ऐसे ग्लू अप्लाई करके इसको पेस्ट करते जाना है ताकि ये निकले नहीं। सो देखा आपने, इसको मैंने ऐसे पेस्ट कर देना है। ओके, देन नाउ इट्स टाइम टू बेस्ट फ्लावर्स। फ्लावर्स के वन साइड हमको ऐसे ग्लू अप्लाई करना है और इसको ऐसे सिंपली पेस्ट कर देना है। ओके, ध्यान दीजिएगा आपको केवल एक ही साइड ग्लू अप्लाई करना है। ओके, ये बिल्कुल कनेर के फूल की तरह लगता है। कनेर के फ्लावर्स आपने देखा होगा कैसे होते हैं वो। सो स्टूडेंट लुक एट दिस, हमने फ्लावर पेस्ट कर लिए हैं बट इट्स नॉट कंप्लीट। अभी हमें इसमें लीव्स पेस्ट करनी है, तो अब हम इस स्क्रीन पेपर से लीव्स कट करेंगे। ओके, लीव्स कैसे कट करना है ये भी आप देख लीजिए। ओके, इस शेप कोई भी ग्रीन पेपर ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इतनी सारी ग्रीन लीव्स कट करके रखी। ओके, अब इसको हमको सेट करना है। इस पर आपको वन साइड ग्लू अप्लाई करना है लीव पे और इसको पेस्ट करते जाना है। आपको लीफ को ऐसे पेस्ट करते जाना है। ओके, so look at this, now it's complete. How is it? Beautiful na? I hope आप इसे जरूर try करेंगे घर पे। You must try. करती हैं इस पे। ओके, व्हेरेवर यू हैव गॉट दिस स्पेस आपको